अभी आपको अहम खबर देंगे। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर की नैब तलबी का मामला, नैब मुल्तान का तलबी के हवाले से मौके सामने आ गया है। हिना रबानी खर को जाती हैसियत में तलबी का नोटिस नहीं भेजा गया। हिना रबानी खर को उनके घर सवालनामा भिजवाया गया है। हिना रबानी खर अगर पेश होना चाहे तो हो सकती हैं, नहीं तो जवाब भिजवा सकती हैं। आपको बताएं कि एक निजी इदारे की जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि नैब ने हिना रबानी खर को जाती हैसियत में तलब किया है। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर की नैब की तलबी का यह मामला है। नैब मुल्तान ने तलबी के हवाले से मौकिफ सामने दे दिया है। हिना रबानी खर को जाती हैसियत में तलबी का नोटिस नहीं भेजा गया है। हिना रबानी खर को उनके घर सवालनामा भिजवाया गया है। हिना रबानी खर नैब पेश होना चाहे तो हो सकती हैं, नहीं तो जवाब भिजवा सकती हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर की नैब तलबी का यह मामला है। नैब मुल्तान का तलबी के हवाले से मौकिफ सामने आ गया है। हिना रबानी खर को जाती हैसियत में तलबी का नोटिस नहीं भेजा गया है। हिना रबानी खर को उनके घर सवालनामा भिजवाया गया है। हिना रबानी खर अगर चाहें तो नैब में पेश हो जाएं, अगर नहीं तो वो जवाब भिजवा सकती हैं। आपको बताएं कि एक निजी इदारे की जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि हिना रबानी खर को नैब की जानिब से जाती हैसियत में तलबी का नोटिस जारी किया है, जिसमें समाजी राबते की वेबसाइट पर हिना रबानी खर ने इसको फेक करार दिया था। उन्होंने इसकी तरदीद की थी, जिसके बाद नैब मुल्तान ने भी अपना मौकिफ दे दिया है। उनका भी मौकिफ सामने आ गया है। हिना रबानी खर को जाती हैसियत में तलबी का नोटिस नहीं भेजा गया है। हिना रबानी खर को उनके घर सवालनामा भिजवाया गया है। हिना रबानी खर नैब पेश होना चाहे तो हो सकती है, नहीं तो जवाब भी भिजवाया जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर की नैब तलबी का यह मामला है।